लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों का अपने राज्य वापस आने का रास्ता साफ होने के साथ ही झारखंड सरकार ने केंद्र पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। झारखंड के तीन मंत्रियों ने केंद्र से मांग की है कि इनकी वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि सिर्फ बस और सड़क मार्ग से इनकी वापसी संभव नहीं है। झारखंड सरकार का कहना है कि जो गाइडलाइन जारी हुए हैं उसमें बहुत सारी अड़चनें हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों छात्रों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही केंद्र द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन पर भी सवाल उठने लगे हैं। झारखंड सरकार के मंत्रियों ने इस निर्णय को अधूरा बताया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि केंद्र का ये निर्णय उचित नहीं है, क्योंकि सिर्फ सड़क मार्ग से इतने मजदूर छात्रों को लाना संभव नहीं होगा। वहीं राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी कहा है कि केंद्र को इस निर्णय को और सरल बनाना चाहिए था। हमारा जो है बच्चा फंसा हुआ है, हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं, वो फंसे हैं, वहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हमको भी संवेदनाएं हैं, लेकिन हमारे संसाधन नहीं हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो ट्रेन चलाएं और ट्रेन से हमको जो है हमारे राज्य तक पहुंचा दें, हम लोग अपने से फिर सारी व्यवस्था कायम कर लेंगे। जो गाइडलाइन आया है उसमें हम आग्रह करेंगे कि डिस्टेंट प्लेसेस से बिना ट्रेन के ला पाना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रेन में आप पेंट्री कार है, आप भोजन की भी व्यवस्था करवा सकते हैं, उसमें डॉक्टर की भी हर स्टेशन पर सुविधा है, उसको मेडिकल फैसिलिटी भी दी है। और दूसरी बात है कि आप यदि बसों में लाते हैं, 9 लाख मजदूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, तो एक बस में 30 से 40 सीट होता है और उसमें से मैक्सिमम 15 अलाव होंगे, तो ऐसे में लाने में प्रक्रिया काफ़ी लंबी चल जाएगी। वहीं झारखंड सरकार के एक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र के इस निर्णय पर कहा कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दबाव का असर है कि केंद्र को झुकना पड़ा। हालांकि गाइडलाइन को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी सवाल खड़े किए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि इस आधार पर जल्द सबकी वापसी संभव नहीं है। दूर स्पेशल, छात्र स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए थी और हमारे राज्य के प्रमुख स्टेशनों पर उनका ठहराव होना चाहिए था और वहां से स्क्रीनिंग करके हम उनको अपने अपने मजदूरों को, छात्रों को अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रखंडों में भेजते, तो एक ये सार्थक पहल होती। केंद्र सरकार के इस फैसले पर जारी गाइडलाइन पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस स्थिति में फिलहाल छात्र मजदूर हैं उन्हें तत्काल राहत इससे नहीं मिल पाएगी और इस गाइडलाइन का पालन कर राज्य सरकार अगर मजदूरों की वापसी करवाती है तो इसमें काफी वक्त लगेगा। यही वजह है कि झारखंड सरकार के मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा है। कैमरामैन उमेश के साथ न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।